घर पर पति सास ससुर के द्वारा मारपीट किए जाने पर पीड़ित पत्नी ने एसपी कार्यालय में आकर गुहार लगाई है। हमीरपुर के लोहारडा गांव की रहने वाली संतोष कुमारी ने अपने नन्हे बच्चों के साथ एसपी कार्यालय आके न्याय की मांग की। संतोष कुमारी के साथ आए हुए बेटे आर्यन ने डीएसपी रेणु शर्मा को मारपीट की सारी बातें सुनाई, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई करेगी। लोहारडा गांव की निवासी संतोष कुमारी ने बताया कि पति प्रदीप कुमार सास ससुर आए दिन मारपीट करते हैं और बेवजह उसे तंग करते हैं। उन्होंने बताया कि उसकी शादी 22 नवंबर 2008 को हुई थी। ससुराल में कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में तंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि पहले उसने काफी सहन किया, लेकिन जब ज्यादा लगा होने तो उसने मायके वालों को इसकी जानकारी दी। पीड़िता संतोष कुमारी के दो बच्चे हैं और जिस समय मारपीट हुई थी तो बेटे आर्यन ने अपनी माता को बचाने का प्रयास भी किया था। बेटे आर्यन ने बताया कि उसकी माँ के साथ हर रोज मारपीट होती है और उसे तंग करते हैं। मैं और पापा ऊपर सो गए थे, मम्मा नीचे से आवाज लगा कर हमने सुना, मम्मा ऊपर आ गए सीढ़ियों के ऊपर, दादी बाहर आए मारने लगे ना, फिर पापा आ गए, फिर पापा ने मम्मा को पकड़ ली, फिर मम्मी दादी और मारने लगे और फिर वहाँ लोग हो गए। फिर तब दादी ने बोले कि इसे ले जाओ अंदर, अंदर बंद करो, लोग आ गए हैं। मम्मा को रगड़ के ले गए थे सीढ़ियों पर से। आप डीएसपी से मिले, क्या मामला क्यों मिले, क्या बात हुई? हाँ जी, मेरा पति खर्चन देता है और सास ससुर मारपीट करते हैं, गंदे गंदे बातें बोलते हैं। अभी कब हुई आपके साथ मारपीट? 8 मई। हुआ क्या था घर में, कौन था उस वक्त? सभी थे, रात के 10:30 बजे के करीब। किस किस बात को लेके मारपीट हुई आपके साथ? ये मेरा बेटा और वो ऊपर थे, फिर मैंने आवाज लगाई नहीं, जिसे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं ऊपर चली गई सीढ़ियों चढ़ के, तो बहुत सास आए। हाँ जी, तो बहुत सास आए मेरे, फिर उन्होंने बोला कि ऊपर क्यों आई और मारना शुरू कर दिया। फिर अंदर से पति आ गए, पति ने मेरे को पकड़ा और सास मारते रहे, उसका बच्चा कर फिर चलाने लगा। इसने सोचा मम्मा को सीढ़ी से गिरा देंगे, फिर किसी तो मेरे को अंदर ले गए और गांव के लोगों ने देखा। तो बाकी आपको लगी कहाँ कहाँ थी सिर वगैरह में लगी? पीठ पर। हाँ ऐसे। तो अभी आप डीएसपी से मिले तो क्या मांग की आपने? गौरतलब है कि इससे पहले भी मारपीट किए जाने पर मायके वालों द्वारा प्रधान को इस संबंध में बताया गया, जिन्होंने समझौता करवाने की कोशिश की लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने महिला सेल हमीरपुर में एक शिकायत भी की है, जहां समझौता हुआ था, लेकिन अब फिर से ससुराल वालों द्वारा मारपीट किए जाने पर महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।